हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो रेमेडी डिस्कस करने वाली हूँ वो है डार्क स्पॉट्स के लिए। आपने नोट किया होगा, गर्मियों में ज़्यादा ये होता है, इवन सर्दियों में भी। धूप में हम लोग बैठते हैं, चाहे आप सनलाइट को उसकी ऑपोजिट साइड पर भी बैठे हो, आपकी बैक साइड पर भी पड़ रही है, तो भी इनडायरेक्ट सनलाइट से लोगों को स्किन में इश्यूज़ होते हैं। जिसमें एक इशू जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी वो है डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं हमें ब्लैक कलर के। उनको ठीक करने के लिए क्या किया जाए वो मैं इस वीडियो में आपको एक बिल्कुल छोटी सी रेमेडी बताऊंगी। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मेरी वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, आगे एक बेल आइकन है जिसको आपको हिट करना है ताकि जब भी कभी मैं कोई वीडियो डालूं आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। जो रेमेडी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो बहुत ईजी है, नेचुरल है, आप जब चाहें तब कर सकते हैं। उसके लिए कोई आपको घोल और मिश्रण बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आप, मैं यही बोलूँगी कि केमिकल्स ना ट्राई करें, क्योंकि डार्क पैचेस या डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत केमिकल्स, बहुत चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में जिसमें भर भर के केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स और ये सब चीज़ डाली होती हैं। नेचुरल करें, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं इसकी, पर मैं आपको एक बेसिक रेमेडी बता रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने टोमेटो लेना है और उसको स्क्वीज़ करना है। उसका जो जूस आप निकालेंगे टोमेटो का, उसमें आपको पोटैटो मतलब आलू का जूस थोड़ा सा मिक्स करना है। कोशिश करें 50-50% आप रख लें दोनों को, और इसमें थोड़ा सा दही डालना है आपको, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा दही। दही जो है वो स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है, इवन रॉ मिल्क भी बहुत इफेक्टिव होता है। ये तीनों को आपको मिक्स करके लगाना है। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते आप सिर्फ टोमेटो जूस ले, टोमेटो जूस है ये, टोमेटो प्यूरी नहीं है। टोमेटो को स्क्वीज़ करके पानी निकालना है उसका, उसको मिक्सी में करके उसका वो पेस्ट नहीं बनाना है, ठीक है। और इसमें आपको डालना है कर्ड, इन दोनों को मिक्स करके आपको फेस पे लगाना है। इसको रहने दें 15-20 मिनट और हमेशा फेस को ठंडे पानी से धोएं। कभी भी फेस को, बालों को गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, बाल खराब हो जाते हैं और जो स्किन है वो सैग करती है, क्योंकि इलास्टिन प्रोटीन जो है वो लूज़ हो जाता है। और एक बार जब ये प्रोटीन लूज़ होता है तो फिर आप जो मर्जी कर लो वो ज़िंदगी में कभी टाइट नहीं होता। बिल्कुल वैसा ही है जैसा इलास्टिक हमारे रबर बैंड्स में होता है या किसी में। गर्म पानी में आप धो, 2-3 वॉश के बाद इलास्टिक ढीला हो जाता है, फिर वो दोबारा टाइट नहीं होता ना। बिल्कुल सेम हाल हमारी स्किन का है। इसलिए फेस को, अगर आप नहा रहे हो गर्म पानी से नहाओ, इतने के नीचे गर्म पानी, फेस हमेशा ठंडे पानी से, और बाल भी हमेशा ठंडे पानी से ही धोएं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे को ज़रूर बताना। और ये रेमेडी आपको, अगर आप डेली कर सकते हो तो आप डेली करो, नेचुरल चीज़ों का कोई नुकसान नहीं होता, उल्टा फ़ायदा ही होता है। डेली कर सकते हैं तो आपको जो रिजल्ट महीने बाद मिलना, हो सकता है 2-3 हफ्ते बाद मिल जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी होते हो, तो आप 2 दिन में एक बार करिए रेमेडी, आपके डार्क स्पॉट ज़रूर चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय एवरीवन।